हेलो एवरीवन वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ एच टी एम एल विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेब इंजीनियरिंग कोर्स ऑन दिस चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द लिस्ट नाउ लिस्ट आर समथिंग विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ़ इंफॉर्मेशन आपने इसको बहुत जगह देखा होगा जब भी हम आ, कुछ लिस्ट करते हैं जैसे तो फीचर्स हमें लिस्ट करने हैं तो हम कैसे लिखते हैं फीचर्स और उसके बाद डॉट्स की फॉर्म में या फिर वन टू तो, थ्री की फॉर्म में हम फीचर्स को मेंशन कर देते हैं तो ये जो वन टू थ्री है ये आपकी लिस्ट होती है एक तो वो हम देखेंगे कि कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हैं एच के अंदर तीन बेसिक टाइप की लिस्ट हैं ऑर्डर्ड या नंबर लिस्ट जैसे वन टू थ्री अनऑर्डर्ड या बुलेटेड लिस्ट लाइक दिस एंड वन इज डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन लिस्ट सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्रिएटिंग ऑफ ऑर्डर्ड एंड नंबर लिस्ट तो ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग टैग है वो है आपका ओ एल दैट स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड देन टू एड द लिस्ट आइटम्स जैसे वन के आ गया आपको लिखना है कुछ कंटेंट टू क्या क्या लिखना है थ्री क्या क्या लिखना है तो उसको एड करने के लिए हमें यूज करना होता है एल आई टैग जो है लिस्ट आइटम टैग तो अब देखते हैं इसको हम कैसे आ, इसका एक एग्जाम्पल कि कैसे हम इसको बना सकते हैं ऑर्डर लिस्ट को तो कैसे लिखेंगे एल स्टार्टिंग टैक देन लिस्ट आइटम्स सपोज एल आई देन दिस इज क्लोज तो एक लिस्ट आइटम आपने एड किया और उसको यहीं पर क्लोज किया अब जितने भी लिस्ट आइटम आपको एड करने हैं उन सबको एक एल आई टैक के अंदर लिखना पड़ेगा जैसे ऐसे और जब आपको लिस्ट को क्लोज़ करना है देन अगेन यू हैव टू यूज़ क्लोजिंग टैग ऑफ ओ एल तो इस तरह से आपकी एक लिस्ट बन जाएगी अब और इसका जो आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा कुछ आउटपुट विल बी लाइक वन डॉट एच टी एम एल टू डॉट सी एस एस बिकॉज इट इज़ एन ऑर्डर्ड और नंबर लिस्ट न यू हैव एन ऑप्शन टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नंबरिंग डैट यू वॉन्ट वन टू चाहिए आपको कैसी नंबरिंग चाहिए वो कैसे करते हैं हम उसके लिए आप कैसे लिख सकते हैं ओ एल दैन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस टैग इज़ टाइप अगर आप इसका टाइप दे रहे हो वन देन इट इज़ अ डिफॉल्ट केस विच इज़ न्यूमरल्स देन यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई ओ एल टाइप इज इक्वल्स टू ए इट मीन्स लोअर केस करेक्टर्स के अंदर अब होगा अब इस केस में कैसे आउटपुट आएगा ए डॉट एच टी एम एल बी डॉट सी एस एस तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबरिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हैं देन ऑल्सो यू कैन यूज़ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द नंबर जैसे इसी के केस में हम देखते हैं इसमें आप कैसे कर सकते हैं ओ एल टाइप इज इक्वल्स टू वन एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई एंड प्रॉपर्टी स्टार्ट इज इक्वल्स टू सपोज फाइव तो अब इसके इसमें कैसा आउटपुट आएगा फोर डॉट एच टी एम एल सॉरी फाइव फाइव डॉट एच टी एम एल सिक्स डॉट सी एस एस तो इस तरह से आप एक ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमें ओ एल और एल आई टैग का यूज़ किया है उसके बाद हमारे पास एक अनऑर्डर्ड या बुलेटेड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है जितने भी आइटम्स हैं वो बुलेट्स की फॉर्म में मार्क होंगे इसको बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना है यू एल दैट स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड अगेन फॉर आइडिंग लिस्ट आइटम्स एल आई टैग अब जैसे इसी को अगर हम अनऑर्डर्ड की फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे यू एल लिस्ट आइटम एच टी एम एल एल आई अगेन लिस्ट आइटम सी एस एस देन क्लोज द यूएल टैग अब जो इसका आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा डॉट एच टी एम एल डॉट सी एस एस क्योंकि बुलेटिन की फॉर्म में ये आएगा अब अगेन आप इस जो बुलेट आया आपका जो मार्कर है इसको हम मार्कर कहते हैं आप इस मार्कर को चेंज कर सकते हैं कैसे चेंज करते हैं आप लिख सकते हैं यू एल टाइप इज इक्वल्स टू स्क्वेयर तो अब छोटे से स्क्वेयर बनकर आएंगे इसी तरह आप इसमें अलग अलग ऑप्शंस लिख सकते हैं जैसे डेस्क या फिर सर्कल भी तो ये था आपका अनऑर्डर्ड या फिर बुलेटेड लिस्ट नेक्स्ट इज टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन लिस्ट द एंट्रीज आर लिस्टेड लाइक अ डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया तो जो, जो इसमें एंट्रीज होती हैं वो एक डिक्शनरी या फिर एक एनसाइक्लो सॉरी डिक्शनरी या फिर एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह होती हैं इसको बनाने के लिए क्या करना है आपको यू हैव टू यूज डी एल डैट इज फॉर डिक्शनरी लिस्ट देन डी टी टैक डेट डिफाइंस द टर्म एंड डी डी टैक दैट डिफाइंस द टर्म डेफिनेशन तो एक एग्जाम्पल ऐसे इसी का लेते हैं हम डिक्शनरी लिस्ट को स्टार्ट किया डी एल से उसका एक टर्म डिफाइन करी हमने डी टी डी टी हमने डिफाइन किया एच टी एम एल अब इस टर्म की डेफिनेशन को देने के लिए हम क्या यूज करेंगे डी डी और इसकी डेफिनेशन हमने दी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन वी हैव क्लोज दिस डीडी टैग देन अगेन वन मोर डी टी इसमें दिया हमने सी एस एस दैन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सी एस एस स्टाइलिंग फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ भी स्टाइलिंग लैंग्वेज दैन क्लोज दिस डी डी टैक एंड फाइनली क्लोज द डी एल टैक अब इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा सो दे विल बी अ लिस्ट वन इज एच टी एम एल एंड अनदर इज़ सी एस एस तो ये दो क्या हो गई हमारे पास ये दो हमारी टर्म्स हैं जो हमने डिफाइन की थी डी टी से अब इन टर्म्स की कुछ डेफिनेशन हमने डिफाइन करी हैं तो वो ऐसे शो होती हैं जो भी हमने इस टर्म की डेफिनेशन को किया है डी डी के अंदर वो अब शो हो जाएगा दिस इज हाउ द डिस्क्रिप्शन और द डेफिनेशन लिस्ट वर्क्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on web engineering and other computer science related subjects. Thank you.